हेलो फ्रेंड, मुन्ना एलसीडी एलईडी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुन्ना रजक। दोस्तों, आज हमारा विषय है एक 2K 4K HD FHD UHD टेस्टर। हम लोग इससे पहले बहुत सा टेस्टर यूज किए हैं, पैनल टेस्टर। तो उस पैनल टेस्टर में क्या होता था, पैटर्न होता था, यानी हमारी पिक्चर नहीं आती थी, RGB आता था, पैटर्न आता था। लेकिन ये अपग्रेड करके इसको बनाया गया है कि आप इसको पैनल टेस्टर के साथ साथ आप इसमें क्या देख सकते हैं, VGA भी चला सकते हैं, HDMI भी चला सकते हैं, AV भी चला सकते हैं और USB RF भी देख सकते हैं। इसमें ये फैसिलिटी दिया गया है। आपको याद रखना होगा, अगर इसकी वीडियो मैं बना रहा हूँ और आप इस विषय में अगर जानते हैं तो आप तुरंत इस वीडियो को स्किप कर दे, समय जाया न जाने दें। अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को वॉच करें। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो आप हमें बताएं कि आपके शहर में ये अवेलेबल है कि नहीं, अगर है तो इसकी प्राइस कितनी है। दोस्तों, इसमें आखिर हमको क्या क्या मिलेगा? तो देखिए, इसमें हमको मिलेगा एक रिमोट, एक हमारा 2K 4K HD फुल HD UHD टेस्टर, जो कोई पैनल टेस्टर बोलते हैं। एक मिलेगा हमारा इसमें 12 वोल्ट की एडेप्टर और एक मिलेगा हमारा मल्टीपर्पस 4K TV के लिए और 2K TV के लिए LVDS पैकेट में किया हुआ। उसके साथ कुछ वायर भी मिलेगा जो कि 12 वोल्ट बैकलाइट को जलाने के लिए। अब यहाँ पर हम आ जाए, वीडियो ज़्यादा लंबा हम लोग ना करेंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारा एक नया अपग्रेड किया हुआ एक 2K और 4K LED की पैनल टेस्टर है। अभी 4K TV ज़्यादा आ रहा है तो 4K पैनल को टेस्ट करने के लिए कोई साधन नहीं था, क्योंकि आपको या तो बड़ी वाली एक मदरबोर्ड कॉम्बो आती थी उसको लेकर रखना पड़ेगा, तो उसका भी सॉकेट इधर उधर बहुत तरह का प्रॉब्लम था। इसलिए इसका सलूशन आ गया है कि आप यहाँ पर कोई भी LVDS लगाइए, उसकी मुंह पर यानी पैनल में जाने वाली मल्टीपर्पस आपका LVDS हो जाएगा। और यहाँ पर आपको सिर्फ ये स्विच दिख रहा है, ये हमारा 4K ऑन ऑफ, खाली आपको सिर्फ इसको खोलना पड़ेगा। तो हम लोग तुरंत इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स जानकारी ले लें कि इसको कैसे टेस्ट करेंगे। हालांकि आप अगर इसको कहीं से परचेस कर रहे हैं तो यहाँ पर दिख रहा होगा सब डिटेल्स दिया हुआ है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। दोस्तों, अगर आप हमारा ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर पर कॉल करके सीट बुक करा सकते हैं, जो कि अगले महीने हमारी 9 अक्टूबर से ट्रेनिंग स्टार्ट होने जा रही है कोलकाता में। उसके बाद हमारी मुंबई में ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। तो आप कृपया करके स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर लें। माइक्रोस्कोप अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो माइक्रोस्कोप के लिए यहां पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर कॉल करके माइक्रोस्कोप परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोग तुरंत यहां थोड़ा सा चले जाएं माइक्रोस्कोप के सहारे, यहाँ पर आप रेजुलेशन के बारे में जान लें। उसके बाद हम लोग ठीक जंपर बोर्ड की तरह है वहाँ पर चले जाइए, दिख रहा होगा ना ABCDEFGH, ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर आपको इस जो आपको बॉक्स दिख रहा है, बॉक्स में आपको क्या क्या, कौन सा पैनल किस रेजुलेशन में आपको इसको टेस्ट करना है, उस हिसाब से आपको इस स्विच को ऑन ऑफ करना पड़ेगा। यहाँ ऑन ऑफ स्विच है जो कि ऑन और ऑफ, जैसे कि यहाँ पर ये ऑफ हो गई तो ये ऑन हो गई। तो ठीक यहाँ पर अगर हम 4K का रेजुलेशन हमारा होता है 3840 और 2160, जो कि एक होता है 1, एक होता है 2, यानी यहाँ पर हो गया मैपिंग और मिरर।
यानी एक हो सकता है आप एक इस तरह से यूज करेंगे तो आपको मैपिंग आएगी या मिरर आएगी, और आप इस तरह से यूज करते हैं तो मैपिंग क्लियर होगी और मिरर भी ठीक होगा इस हिसाब से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1-1 आपको घर में इस स्विच को 1-1 करेंगे और एक ऑफ 1 ऑफ करेंगे तो आपका 4K ऑन होगा और एक 4K इसमें ऑन होगा। ये डिटेल्स आपको वीडियो में पता ना चले, लेकिन आप अगर इसको परचेस कर रहे हैं और थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान से इसको पढ़ रहे हैं तो आपको स्वयं ही पता चल जाएगा। हम लोग आए इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लें कि आखिर इसकी पिक्चर की क्वालिटी कैसी है और इसको कैसे हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पर आपको पैनल के लिए भी वोल्टेज दिया गया है, पैनल सेलेक्ट कर सकते हैं 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, और यहाँ पर ये पैनल का ऑन ऑफ है, पावर ऑन ऑफ, मतलब आप इसको ऑन कर रहे हैं तो पैनल की सप्लाई जाएगी, इसको ऑफ कर रहे हैं तो पैनल की सप्लाई नहीं जाएगी। ये हमारा 4K के लिए आपको ऑन करना होगा, ठीक, इधर करेंगे तो ऑफ हो जाएगी। और समझ लीजिए कि आपका जम्पर वायर यही है, यहाँ पर जो ऑन ऑफ की स्विच है ये रेड कलर में, ये ऑन ऑफ की स्विच में जम्पर वायर है। और यहाँ पर आपको पूरा बॉक्स में डिटेल्स दिया गया है कि कौन सी बॉक्स में कौन सा स्विच आप ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो वो HD, फुल HD, नॉन HD और 4K UHD बन रहा है। यहाँ पर हमारा मैनुअल है जो कि आप AV मेनू, ब्राइट, कॉन्ट्रास्ट, कलर, चैनल, वॉल्यूम सब इसको, ये हमारा मैनुअल बटन है। हम यहाँ पर जो है आप डायरेक्ट अगर 12 वोल्ट नहीं दे रहे हैं तो यहाँ से कोई बोर्ड से 12 वोल्ट के सॉकेट से भी दे सकते हैं। यहाँ पर बैकलाइट के लिए सप्लाई दिया गया है, हम यहाँ पर क्या करेंगे LVDS को इसको हम ऐसे डाल देंगे और इसमें हम 12 वोल्ट की एक एडेप्टर यूज करेंगे। बैकलाइट हमने इस पैनल को जला लिए हैं टेस्ट करने के लिए, बहुत ईजी है, आप लोग को घबराना नहीं है, आप लोग बहुत सब कुछ जानते हैं। अब हम यहाँ पर इसको ऑन कर देंगे, ऑन करने के बाद यहाँ पर ये हमारा रेड लाइट जो है ये जैसे बोर्ड में हमारा होता है मदरबोर्ड में, ठीक, हमको इसको ऐसे ऑन कर लेना होगा, ये स्टैंड बाई ऑन हो गया, रिमोट भी है इसका और हम इसको ऑन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2K, 4K, HD, फुल HD, UHD टेस्टर, यानी www.tvtcon.com, यहाँ पर हमारी देखिए कि दोस्तों ये हमारा टेस्टर जो है वो वर्किंग प्रोसेस में है। यानी आप इसको जैसा, जैसे कि हम यहाँ पर ऐसे इसको ऑफ कर दिए और इसको आप ऑन करेंगे तो हमारा चालू है, आप यहाँ पर इसको बंद कर सकते हैं, फिर यहाँ पर ये यह जम्पर दिख रहा है कि जम्पर हमने निकाल दिया, यानी ये वोल्टेज की जम्पर है। तो आपको ये जो है ये पूरी एकदम बहुत अच्छी क्वालिटी की और बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त एक हमारा काम की चीज़ है जो कि हमको 4K, हालांकि 2K लिए तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हम लोग V56U11.2 जो बोर्ड आती है फेमस है उसे हम लोग पैनल टेस्टर बना चुके थे, लेकिन 4K लिए हमको सोचना पड़ता था कि 4K पैनल को टेस्ट करने के लिए हम कैसे टेस्ट करें, तो उसकी मदरबोर्ड को हम लोग ढूंढते थे या कोई कस्टमर को या कोई ग्राहक को बोलते थे या कोई दुकानदार को बोलते थे कि आप अपना पैनल कंप्लीट लेकर आए तब पैनल टेस्ट करेंगे। तो आपको पैनल टेस्टर के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय, नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।